بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ترجمه ايوه مندل شراب کو جیا کو جھوٹ کو پانسی میں بات ہوں شیطانی کام ان سے بچتے رہنا تم فلا پاؤ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی لباد شراب کے جیون کو تم نے اللہ کی یاد اور نماز سے ہو گئی تو کیا تم بات آئے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو کہ اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیات 90-93 تک تلاوت کی دوبارہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تلاوت میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیات 90-93 تک کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کو بھی دیکھ لیا جائے جس میں کہا گیا ہے کہ یسألون کا عن الحمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما و یسألونک ماذا ینفقون اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ اے پیغمبر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے اور یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو یہ آیات اور اس کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کی پچھلی آیات 272-276 تک
उनको साथ मिला के हम जो है वो जो आज की बात को पिछली बात से आगे बढ़ाएंगे। इसमें पिछली दफ़ा आपने बात की थी कि आज तकाफुल पे या इंश्योरेंस पे बात करेंगे या तजवीज़ आई थी, तो उसी सिलसिले में हम कुछ चीज़ों को समझने के लिए उसका जो कंटेक्स्ट और उसका बैकग्राउंड जो है वो समझना ज़रूरी हो जाता है। इस्लाम का जो निज़ाम है पूरा, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उसको समझा नहीं जाता तो दूसरी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनसे उनका जो मुख्तलिफ होना वो भी समझ नहीं आती। जब वो समझ नहीं आती तो फिर जो कामयाबी और नाकामी की डेफिनेशन है वो भी समझ नहीं आती। इसी तरह जो ठीक और गलत का फ़र्क भी समझ नहीं आता। तो जब ये हम फ़र्क नहीं कर पाते तो फिर हम मामलात में उलझे रहते हैं। तो हमें पहले ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, हम समझते भी हैं लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम फिर उसको आइसोलेशन में ले के फ़ैसले करते हैं या उसको फिर उस पर बहस करते हैं। तो इस्लाम जो है वो सक्सेस और फेलियर का क्राइटेरिया अल्लाह और रसूल के अहकामात मानने में, दुनिया और आखरत की फलाह पाने में, और उसका स्कोप जो है वो बढ़ के है जो दुनियावी लिहाज से, जो दूसरी फ़िलासफ़ीज़ में हम सक्सेस और फेलियर का क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसको सिर्फ़ फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पे हम नहीं देख सकते बल्कि वो पूरा जो ओवरऑल हमारा कैनवस है देखने का कि फाइनेंशियल से हट के जो है, या फाइनेंशियल के साथ साथ, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल के साथ साथ हमारा जो स्पिरिचुअल वेल बीइंग है, हमारी जो सोशल वेल बीइंग है, तो ज़िंदगी को एक टोटल ह्यूमन लाइफ के तौर पे देखा जाता है। तो इंसान की, इस्लाम जो है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी को ठीक करना चाहता है और कामयाबी और नाकामी का मेयार भी यही है कि पूरी ज़िंदगी में उसका जो है वो रवैया कैसा है। और फिर वो उसका जो सक्सेस या फेलियर का ऐलान भी जो है वो आखिरत में जाके होगा। तो एक तो ये फ़र्क जो दूसरी फ़िलासफ़ीज़ और हमारे उसमें हमें समझना चाहिए। फिर यहाँ का जो राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट है वो हमें अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक कोई बात होगी तो वो राइट होगी, उसके अगेंस्ट होगी तो वो रॉन्ग होगी। तो ये क्राइटेरिया भी जो दुनियावी फ़िलासफ़ी हैं उनके अपने क्राइटेरियाज़ हैं, वो जिस बात चीज़ों को जो है वो राइट कहते हैं वो रॉन्ग होती है, और उनकी बात चीज़ें जो है वो रॉन्ग जो उसको कह रहे हैं हमारे हिसाब से राइट होती हैं। तो ये राइट और रॉन्ग का जो है वो ये मायार भी हमें यहीं से लेना चाहिए। इसी तरह जो हलाल और हराम का कंसेप्ट है, ये दूसरी फ़िलासफ़ीज़ में हलाल और हराम और राइट और रॉन्ग को मिक्स करते हैं और वो उसका डिसीजन जो है वो उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होता है। जो लोग पावर में हैं वो जो मिल के फ़ैसला करें तो वो राइट किसी वक्त रॉन्ग हो सकता है और रॉन्ग किसी वक्त राइट हो सकता है।
और कोई चीज़ उनके लिए हलाल और हराम हो सकती है और हराम और हलाल हो सकती है। हमारे यहाँ जो है वो हमारा जो ये वर्डिक्ट है राइट और रॉन्ग और हलाल और हराम का, ये कुरान और सुन्नत से आएगा और उसके बाद जो दूसरे सोर्सेज हैं कि इजमा है, इज्तिहाद है, जो शरिया के सोर्सेज हैं, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं आएगा, उस प्रोसेस से आएगा जो जो बुनियादी फैसले करने हैं। तीसरी बात जो समझने की है कि अल्लाह ताला ने वो बड़े बड़े उसूल बताए, बहुत निटी ग्रिटीज़ में जो है वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो बताया है, लेकिन ज़िंदगी के गुजारने के एक बड़े बुनियादी उसूल बता दिए और उसके अंदर इंसान को फ्रीडम दे दी। वो जिस तरह बाकी ज़िंदगी में फ्रीडम है उनकी सोशल लाइफ, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसी तरह उसकी इकोनॉमिक लाइफ में भी उसको फ्री फ्रीडम है। लेकिन ये फ्रीडम आज़ादी इस बुनियाद पे नहीं है कि ये बिल्कुल मादर पदर आज़ाद, वही जो राइट और रॉन्ग, हलाल और हराम उसके अंदर रह के जो है वो उसूल बता दिए, जो चीज़ हराम है उसको बता दिया है, हलाल के तरीके आप किस तरह उसको इस्तेमाल करके कितनी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस कैसे लेके आते हो, उसमें से कितनी मेहनत करते हो, वो छोड़ दिया, बाउंड्रीज बता दिए। तो ये चीज़ जो है वो हमें इसमें देखने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ें हलाल अराम और कुछ चीज़ों के ममान को क्या कहते हैं पसंदीदा करार दें, कुछ चीज़ें गैर पसंदीदा, कुछ जो है वो बिल्कुल वो उसमें है। तो जिस तरह ख़र्च है तो ख़र्च के असूल भी ये बता दिए गए हैं कि इसराफ नहीं करो, कंजूसी नहीं करो। कहाँ से इसराफ शुरू होता है, कहाँ से कंजूसी शुरू होती है, ये वैरी करती है। किसी के लिए जो है वो शायद दो गाड़ियाँ उसकी ज़रूरत हो और किसी के लिए शायद वो इसराफ हो, तो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज़रूरत है और किसकी कितनी अय्याशी शुरू होती है यहाँ पे। इसी तरह बुख़ल से मना किया गया, झूठ बोलने से मना कर दिया गया। तो ये जो अखलाकी मॉरल वैल्यूज़ हैं इनसे भी जो है इनके असूल बता दिए गए, धोखा नहीं देना, जो ट्रांजैक्शन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, ओपन करने हैं, तो इन बुनियादी उसूलों के अंदर कोई जो है वो फाइनेंशियल चीज़ होगी या दूसरी चीज़ होगी तो उसको हम फिर उस हिसाब से ही हमें देखना चाहिए। तो एक तो चीज़ मैं ये जा रहा था कि ये चीज़ें बार बार, चूँकि हमारे ये अवेयरनेस सेशन है, हमने इससे बुनियादी तौर पे हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें जो हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं वो उसको क्लियर करना चाहिए। इसके साथ साथ आगे अगर हम जाएं तो जो पिछली बात उसमें हम कर रहे थे सूद के हवाले से जो बात कर रहे थे उसमें हमने बैंकिंग को ज़्यादा डिस्कशन की, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो आम लोगों जो पब्लिक है उसके साथ डायरेक्ट उनकी एक्सेस भी है, उनके साथ डीलिंग भी है। और उसमें अब बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ भी वास्ता पड़ता है, हालांकि अब भी हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसका बैंकिंग से कोई तल्लक नहीं, वास्ता नहीं पड़ता। बल्कि हमारे यहाँ तो अब भी बड़ी मेजर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, पेमेंट्स जो होती हैं प्रॉपर्टी के केस में या उसमें, तो वो भी कैश की सूरत में होती हैं। तो बाज़ दफ़ा ये भी हमें इस तरह डराया जाता है कि शायद जो है वो इसके बग़ैर हम गुजारा नहीं कर सकते और ये हम उसको एज़ इट इज़ ले लेते हैं बग़ैर जो है वो फैक्ट्स को समझे हुए।
इंटरनेशनल एजेंडा जो भी जो करंट मॉनेटरी सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 साल भी इसको नहीं हुए। ये IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरी इसमें लेके आते हैं, तो इन्होंने एक पूरे दुनिया को निज़ाम को जकड़ा हुआ है। ये कंटेक्स्ट भी हमें समझ आनी चाहिए। कहीं प्रेशर से करना पड़ रहा है तो प्रेशर से कर रहे हैं, कहीं कवानीन से करना पड़ रहा है तो कवानीन से कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरह अब इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो रेगुलेटरी बाउंडेज हो गया है मुल्कों के लिए कि वो पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम करें। तो यूँ समझें कि पूरी दुनिया के मुल्क जो हैं नेशनल लेवल पे मजबूर हैं कि वो उस सिस्टम को फॉलो करें, उसी के हिसाब से उन्होंने ये इंटरनेशनल सिस्टम बनाए हुए हैं। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट है, फिर वो बहुत सारे एकॉर्ड्स हैं, ब्रेटन वुड में बैठे कोई फैसला कर लिया, बेजल एकॉर्ड जो है वो उसके मुताबिक कर लिया कि बैंक इस तरह चलेंगे और इस तरह फॉलो करेंगे। तो वो हमारे यहाँ प्रेशर्स इतने आते हैं कि हम लीगली बाउंड हो जाते हैं, कानूनी तौर पे हम उसमें जकड़े जाते हैं। अब कुछ बैंकिंग के अलावा इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मालियाती इदारे जो हैं वो बैंक उनमें एक किस्म है मालियाती इदारों की। और एक बड़ी जो फाइनेंशियल जो मालियाती इदारे हैं उनका एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो बैंकिंग के थ्रू मामलात हो रहे होते हैं, लेकिन फिर उन बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस को और जो फर्दर ज़रूरियात हैं कारोबार की, इनफरादी तौर पे जो बिजनेसेस हैं या जो बैंक्स हैं या दूसरे इदारे, उनकी जो दूसरी बहुत सारी ज़रूरियात हैं उनके लिए फिर अलग से इंस्टीट्यूट, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं लेकिन वो बैंकिंग नहीं करते, उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, NBFIs, जिस तरह इंश्योरेंस हो गई, लीजिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो जो फोकस किस्म का काम करते हैं उनकी क्लाइंटेल उस तरह रिटेल पब्लिक नहीं होती। तो बैंक्स जो हैं वो डील करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं लोगों से और उन डिपॉजिट्स को लोन की शक्ल में लोगों को भी और फिर बड़े इदारों को भी देते हैं। तो उनके जो रीच है वो आम पब्लिक तक है और पब्लिक की रीच उन तक है। तो आप बैंक्स में देखते हैं कि रश लगा रहता है, लोग आते हैं, कुछ पैसे विड्रॉ करवा रहा है, कुछ डिपॉजिट करवा रहा है। और उस पर हमने डिस्कस की थी कि वो जो जनरल बैंकिंग है मेजॉरिटी जो है वो सूद पे चल रही है। इसी तरह अब कानूनी तौर पे और फिर कुछ प्रोटेक्शन के हिसाब से भी कि जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इंश्योरेंस का निज़ाम लाया गया। अब ये बड़ा फोकस किस्म का सिस्टम है, कोई एक ज़रूरत जो है वो पूरी करना, जहाँ पे आप प्रोटेक्शन करते हैं और उस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट आप माली मावनत जो है वो दे रहे होते हैं और उस पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो अब वो बैंकिंग के लिए ज़रूरी है कि कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा तो वो किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसके प्रोटेक्शन के मायदे होंगे। तो गोया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जकड़ भी रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। और वो इदारे चूँकि सारा ये मालियाती निज़ाम सूद पे चलता है तो ये मालियाती इदारे भी उसी बुनियादी असूल पे
काम कर रहे होते हैं। तो आज की जो हमने आयत तलावत की है उसमें दो बातों का ज़िक्र किया गया है, एक शराब का और एक जुए का, मैसर का। और पिछली आयत से अगर मिलाएं तो वो सूद वाला भी, रिबा वाला भी उसमें आ रहा है। हदीस में एक और चीज़ आती है जिसको जो है वो गरर कहते हैं, अनसर्टेनिटी। किसी जो है वो अनसर्टेन इवेंट की बुनियाद पे आप कुछ प्रोटेक्ट करते हैं और उस पर कुछ चार्ज लेते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस का सिलसिला है इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बुनियादी तौर पर, फुटबॉल के चौथी चीज़ भी उसमें आ जाती है उसके प्रोसेस में। एक तो इसमें सूद इन्वॉल्व है इनकी ट्रांजैक्शंस में। बैंकिंग के सूरत में हमने सिर्फ सूद की इन्वॉल्वमेंट देखी थी। और दूसरी जो है इसमें गरर इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी है कि कोई हादसा हो जाए तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी वो अजाला पूरा करेगी, नहीं हुआ तो नहीं करेगी। ये कंटेंजेंसी आ गई और हाईएस्ट लेवल की जो है वो अनसर्टेनिटी इसमें आ जाती है। तो इस्लाम जो है वो जिस तरह सूद को मना करता है उसी तरह ऐसी ट्रांजैक्शन को भी मना करता है जिसमें क्लैरिटी ना हो और जो किसी अनसीन इवेंट के होने पे डिपेंड कर रही हो। ना आप कहें कि जी बारिश होगी तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा, नहीं हुई तो नहीं दूंगा। तो इसमें फिर जनरल इंश्योरेंस भी होती है जिसमें ये शुरू हुई थी मैरीन इंश्योरेंस, जब समुंदर में जाना शुरू हुआ तो जहाज़ निकलते थे, जहाज़ों को ख़तरा होता था तो अगर कोई ख़तरा हो गया तो किसी इंश्योरेंस से वो प्रोटेक्शन ले लेते थे और उसमें सारी चीज़ें। फिर जो है वो गुड्स कमोडिटीज़ और उस तरह की जो जनरल इंश्योरेंस है जहाँ पे कंपनी से या इंडिविजुअल से इंश्योरेंस की सूरत में प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बदले में जो है वो अगर वो वाकया हो जाए तो उसका वो कवर है, अगर नहीं होता तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को ही चला जाता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व है और अनड्यू जो है वो बेनिफिट भी इन्वॉल्व है। और तीसरी चीज़ इसमें जुए की सूरत भी आ जाती है, गैम्बलिंग इसमें आ जाती है, मैचर इसमें आ जाता है। तो गोया इन जो उलमा स्कॉलर्स हैं इस पे मुत्तफिक हैं कि जो इंश्योरेंस का काम है इनमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सूद, गरर और मैसर गैम्बलिंग वाला। तो इसको यूनानिमसली जो है वो हलाल नहीं करार देते इस पे। और फिर जब इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू हुई तो ये 70s में इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई जो प्रैक्टिकली ऑपरेशनल लेवल पे, और इतने मसाइल और इस बैकग्राउंड से, मैं ये बैकग्राउंड इसलिए भी बता रहा हूँ कि इस सिस्टम में ये चीज़ें कोंपले फूट रही हैं, वो किस मुश्किल से वो सिलसिला चलता होगा। हर एक ट्रांजैक्शन और रेगुलेशन कहीं पे हो रही है, इंटरनेशनल रेगुलेशन कहाँ पे हो रही है। तो उस सारे निज़ाम में जब इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू हुई तो इस्लामिक बैंकिंग तो शुरू हुई लेकिन जब उसके साथ ये कानून और आए रोज़ अब कानून ये भी आ रहे हैं कि जो आप किसी से इंश्योरेंस करवाएंगे उसकी कंपनी की इंश्योरेंस किसी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी से होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। ये ऐसा गोरखधंधा है, एक डॉक्यूमेंट्री है मनी मास्टर्स के नाम से, वो ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए कि ये पूरा सिस्टम है क्या है, ये किस तरह जकड़ रहे हैं दुनिया को। और हमें उसी कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को देखना चाहिए।
अब लेटेस्ट अगर आप देखें ना कवानीन, जो वेस्ट जो है वो कवानीन की बुनियाद पे कंट्रोल करती है। हमारा कंसेप्ट इस्लामिक ये है कि हम डिवाइन गाइडेंस की तौर पे हम वहाँ से गाइडेंस लेते हैं, और फिर अंदर कोई कानून अगर तब्दील करना है जो उससे कंट्राडिक्ट ना करे तो वहाँ से हमने डेवलपमेंट करनी है। अब वेस्ट में हमारे एक जानने वाले हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे, पाकिस्तान में भी वो LGBT आ गया, ऐसे चीज़ें तो हमें तो यहाँ इतना फील ही नहीं होता और यह समझ ही नहीं है कि ये हो क्या गया है। अब बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और पहले मसाइल ये होते थे कि बच्चे छोटे होंगे तो साथ चले जाएंगे और जब थोड़े से बड़े होंगे तो फिर वापस आने की कोशिश करेंगे। तो भी हमारे एक जानने वाले हैं, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, जर्मनी में है, यूरोप में, अमेरिका में, कि वहाँ LGBT की एजुकेशन को लाजमी कर दिया गया है प्राइमरी सतह पर। तो आपका बच्चे को लाजमी वो सब्जेक्ट बाई लॉ पढ़ना है, उस सूरत में हमें क्या करना है? तो वहाँ पे कोई इनकार नहीं, बल्कि एक वैसे ऑथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन बात कुछ सुना रहा था कि किस तरह बच्चे ने घर में आके बात की और उसके पेरेंट्स ने शिकायत की, तो वो बच्चे को उठा के ले गए कि ये हमारा बच्चा है, आप कौन होते हो इसको ये इस एजुकेशन से मना करने वाले? हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, और अगर आप इसको लॉ को नहीं मानते तो आप सेपरेट हो। इस सिचुएशन में जब इस्लामिक बैंकिंग आई और फिर ऊपर से लॉ आ गया कि बैंकिंग तो होगी लेकिन यह है कि इंश्योरेंस जो है वो आपको लाजमी करवानी होगी, और इस्लामिक बैंकिंग के पास इंश्योरेंस का कोई मुतबादल नहीं था। तो गोया जब एक सोल्यूशन देते हैं तो उसमें किसी और जो है वो फंदा तैयार होता है। तो फिर 80s से इस पे काम करना शुरू किया स्कॉलर्स ने कि जो ये जो इंश्योरेंस है, जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं और उसकी बुनियाद पे वो हराम है, तो फिर उसके मुतबादल के तौर पे जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग में प्रोडक्ट्स डेवलप की गई हैं उसी तरह जो है वो तकाफल के नाम से उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जिसमें से जो है वो सूद को कैसे माइनस किया जा सकता है, जिसमें से जो मैसर वाला कंसेप्ट है वो कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है, और जिसमें गरर वाला कंसेप्ट कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके मुतबादल के तौर पे तकाफल को शामिल किया गया। तो जो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने के बजाय मेरा था कि ये जनरल जो है वो हम कंसेप्ट सामने रख लें कि किस मुश्किल से ये चीज़ें हो रही हैं, और ज़ाहिर है ये चीज़ें इस हिसाब से हो रही हैं तो इतराज़ात भी आते हैं। वो इतराज़ात अगर पॉजिटिव सेंस में आएँ तो वो उसकी तरक्की का बायस बनेंगे, अगर वो नेगेटिव के सेंस में आएंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है, तो हमें उसको उससे आगे लेके जाना चाहिए। इसी तरह फिर लाइफ इंश्योरेंस जो बीमा है वो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हैं, वो भी यही कंसेप्ट है जो जनरल इंश्योरेंस का है वही लाइफ इंश्योरेंस के सिलसिले में भी है। तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने या हज़रत सल्लम ने मना किया है कि आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट ना करें, या बच्चों की जो है वो कफालत का या उनकी उसका बंदोबस्त ना करें, ये मना नहीं है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन वेस्ट ने दिया है वो सूद, मैसर और गैम्बलिंग पर बुनियाद करता है, और उसका जो मुतबादल है वो अब ये लोग डेवलप कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो है वो ये भी इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो रही हैं। उसमें इम्प्रूवमेंट की तो अब एक चीज़ होती है तो किसी दूसरे, जिस तरह मैंने कहा ना कि अब किसी तकाफुल से भी करेंगे तो उसके लिए बाई लॉ लाजमी है कि फिर वो किसी इंटरनेशनल दूसरी एक्सेप्टेड फिर उनकी लिस्ट में जो होगी तो उससे वो करेंगे। तो आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई मसला आता रहता है। तो ये एक कंसेप्ट इस इन आयात की रोशनी में, जिसमें अगर देखें तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसमें फ़ायदे भी हैं और इसमें नुकसान भी हैं,
और इसके नुकसानात जो हैं वो फ़ायदों से ज़्यादा हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसको फ़ायदा है, उनको नज़र आता है कि उससे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म जो है वो उसमें ये है कि जिससे अल्लाह ने मना किया, और बल्कि जो जो उस माईदा की आयात हैं उसमें तो बार बार कहा गया कि डरो, तो तीन दफ़ा कहा गया कि डरो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, और जो अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं उसको ले लो जो चीज़ें। तो आज की डिस्कशन मेरा ख्याल यहाँ तक वो कर लेते हैं, अगर कुछ सवाल हो। और उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारा ये बिलीफ हम ठीक कर लें कि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम दिए हैं, उसके मुतबादल के तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, इनसे बचने की। अब इनसे हम कैसे बचें, कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो उसका हल बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे ज़ाहिर एतराज़ात भी हो रहे हैं, कुछ एतराज़ात लोग ऐसे करते हैं कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ज़ाहिर रिजेक्ट करेंगे तो वो जो है वो तो है ही है, सफाई को ख़त्म करके तो वो फिर गड़े में जाना है। कुछ लोग जो हैं वो उनको पुश कर रहे हैं कि इसमें जो करेक्शन है इसमें ये चीज़ देख लें, ये चीज़ देख लें, ये चीज़ देख लें। तो जिस तरह कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम को एक इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटर और मैनेज किया जा रहा है और उनके सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, इसी तरह मुतबादल में अब ये सिचुएशन हो गई है कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल वो लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो गई है। जिस तरह उनका बेजल कार्ड है, हमारा आईओएफई वाले हैं वो, तो एक किस किस्म का कॉस्मोपोलिटन लेवल पे एक मॉडल डेवलप हो रहा है। अब उसके पीछे जितनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी, जितनी इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस होगी, जितनी हमारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, तो तब ही जाके वो प्रिवेल करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन पे अमल करने की, इन चीज़ों को समझने की, और इन चीज़ों से जहाँ पे हमें बचना है उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। जी तो मुसलमान के सामने एक नक्शा होता है ना, फिर बच्चा पैदा होता है और जन्नत तक बाप को देख सकता है बड़े जो है ना। अच्छा, उसके मुताबिक जो गोरे हैं या जो दूसरे हैं उनके उनकी नॉलेज इतना है कि वो जो आइडिया उनके पास होता है ना, आइडिया और आइडिया से लेके ऑपरेशनल फिर एक पूरा स्ट्रक्चर और देन उनकी पॉलिसीज और देन 100 साल प्लानिंग उनके पास सारा होता है। इसमें हम जो मुसलमान हैं मार क्यों खा रहे हैं कि बादा जन्नत तक तो हमें सारी चीज़ें क्लियर है, पर दुनिया में गुजारने के लिए वो थॉट इंटेलेक्चुअल वो इंडिपेंडेंट वो बिल्कुल नहीं है। तो हमें तो मुझे लगता है कि मेहनत के साथ मेन हर चीज़ हमें करनी पड़ रही है। क्यों? सबसे पहले वो आइडियाज नहीं है हमारे पास, अगर हैं तो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर है तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये हम लोग जिस तरह हवा में मुअल्लक है ना, ये मेरी राय है, हम मुअल्लक हैं, वो मुसलमान मुअल्लक है, ठीक है ना। ये तो मसला हो गया ना, इसकी दूर किस तरह हो सकता है? दूर इसी तरह ये जो आप कह रहे हैं इसको ख़त्म करने से होगा। तो वो हम ऐसे नहीं थे ना, किसी दौर में हम ऐसे नहीं थे, ठीक है। वो दूसरे डार्क में थे, ठीक। तो उन्होंने जो ऑपरेशनल चीज़ें थी, जो करैक्टरिस्टिक्स थे, जो करैक्टर के करैक्टरिस्टिक्स थे, जो मेहनत करने के करैक्टरिस्टिक्स थे, जो हम जो अल्लाह ताला ने और हमारी उसमें जो मसलन दयानतदारी की बात थी, सच बोलने की बात थी, मेहनत करने की बात थी, ये चीज़ें तो उन्होंने वो तो हमसे अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्होंने अडॉप्ट की हैं। अब हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं, पढ़ना भी छोड़ दिया, मेहनत करनी भी छोड़ दी, हम ज़हनी तौर पे भी ग़ुलाम, मेंटली भी ग़ुलाम। तो इससे निकलने का तरीका तो वही है जो जो हमने वापस जाना है ना, ठीक है। तो अब अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत एक तो अल्लाह ने राइट और रॉन्ग तो बताया हुआ है, लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कोई भी मेहनत कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत के लिए तो जो वो मेहनत करेगा उसको तो अल्लाह नहीं रोकता। तो अगर दुनिया में हमें एक आम सवाल हम सब अगर वो करें कि भाई हमें अगर दुनिया में
आगे बढ़ना है या कोई भी काम करना है जिसमें हमने एक्सेलेंट होना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें यही करना चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें लेटेस्ट नॉलेज और स्किल सीखनी चाहिए और हमें लोगों से सीखना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, फादर होना चाहिए। और ये बदबख्ती ये है कि हमारे पास वो नक्शा जो जिस तरह आपने कहा कि वो मौजूद है लेकिन हमें उस तरह की स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं, ठीक है ना। तो अब ये अगर कल जो है वो उनके पास ये क्लैरिटी आ गई तो अगेन रूल वो करेंगे ना। तो हमें वो जन्नत का नक्शा हमें उस तरह तो क्लियर है लेकिन मेरे ख्याल में जो उससे दर्द होता है, जो उससे समझ, जो बिलीफ होता है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है। वरना अगर हम ये कहता है कि अल्लाह कहता है ये सूद हराम है तो इसमें तो डिबेट होनी नहीं चाहिए, अगर वो बिलीव है तो ठीक है। अल्लाह कहता है जुआ हराम है तो डिबेट होनी नहीं चाहिए, अगर बिलीव है तो ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हैं वो इससे उन्होंने आंखें नहीं बंद की हुई। अभी पिछले दिनों सर ने शेयर भी की थी, रशिया ने अलाउ कर दिया कि ये जो पॉपुलेशन अब बढ़ रही है, मुस्लिम्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्होंने जो है वो मस्जिद भी इस्लामिक बैंकिंग को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। 2008 में दुनिया में क्राइसिस आए तो दुनिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे वो सबसे कम हर्ट हुए, कम डैमेज हुए, बल्कि नहीं डैमेज हुए। और दूसरी तरफ जो है वो दुनिया के बड़े बड़े बैंक जो हैं टॉप के, लेमन ब्रदर्स और दूसरे बैंक जो टॉप के बैंक्स थे, वो जो है वो बैंकक्रप्ट हो गए। तो अमेरिकन कांग्रेस में उन्होंने बुलाया कि रिसर्च करके हमें प्रेजेंट की जाए कि ये इस्लामिक बैंकिंग किन प्रिंसिपल पर चलती है। हमारी पार्लियामेंट में तो कोई इस तरह की रिसर्च नहीं प्रेजेंट होती। मैंने वो आर्टिकल पढ़े हैं, पढ़ाता हूँ वो आर्टिकल, जिस पे उन्होंने देखा है कि इसकी फाउंडेशन क्या है। ठीक है, IMF के मैं 2003 में गया ट्रेनिंग पे, तो उस वक्त उनके अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो उस पे काम कर रहे थे कि इस्लामिक फाइनेंस के बुनियाद पे अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। उन्होंने हमें कहा कि आप प्रेजेंट करें तो हमें, तो ये नहीं है कि वो सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं। तो उससे निकलने का तरीका एक ही है कि हम जाग जाएं। और ये सिर्फ किसी एक उसमें नहीं है, हमने पूरे सिस्टम को जब तक वो नहीं चेंज करना, कलेक्टिव चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे बैठने से, हमारी ख्वाहिशों से ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इस तरह के सेशन उसी के सिलसिले की कड़ी हैं, तो हमें इसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि एक ज़माने में हम ऐसे नहीं थे, उस ज़माने को थोड़ा सा याद करते हैं। अज़ीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने का दौर था, खुलफ़ाए राशिदीन का दौर था, तो उस वक़्त भी तो माली मामलात होते थे, सौदे होते थे, कर्ज होते थे, लेन देन होते थे, वो बड़ी कामयाबी से होते थे, सूद के बग़ैर होता था सब कुछ। और जो कफालत या तकाफल या इंश्योरेंस है, स्टेट की ज़िम्मेदारी होती थी। अगर कोई बेवा बच की है, कोई यतीम है, उन सब की कफालत स्टेट ने करनी, इस्लामी रियासत ने करनी, तो वो इंश्योरेंस एक किस्म की वो इंश्योरेंस थी। रियासत भी कर रही थी और लोग भी कर रहे थे। ज़कात को हमने उस तरह छोड़ा हुआ है। ज़कात के बारे में आप तो इस चीज़ के माहिर हैं, अगर सही तरह से ज़कात दी जाए तो कोई मसला ही बाकी ना रहे। उसमें हमने चूँकि आपने बहुत ज़्यादा वो, तो हमने कहा फोकस होके चलते हैं। बैतुल माल पे भी किसी वक्त बात कर लेंगे कि बैतुल माल का या ट्रेजरी का क्या कंसेप्ट था, उसमें ट्रेडिंग कैसे होती थी, नेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल, ये म्यूचुअल फंड, जो इंश्योरेंस के और भी बहुत सारे जरा म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम कमेटियाँ डाल लेते हैं। मैंने कहा बहुत सारे काम हम ठीक कर रहे हैं लेकिन जब हम इस सिस्टम में जकड़ने के पे आते हैं तो हम उस पर, तो हमें कंफ्यूज़ कर दिया गया और हम कंफ्यूज हुए हैं। तो बहुत सारे, जिस तरह पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि हम घर बना रहे होते हैं और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हम फैमिली फ्रेंड से ही पैसे लेके और सूद के बगैर ही पैसे लेके चल रहे होते हैं।
तो एक तो ये तरीका है, दूसरी तरफ ये अलमिया भी है। आज मैं एक मुफ्ती साहब से बात कर रहा था, हमारे बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, तो बैंकिंग के सूद को तो हम रोते हैं, हमारे माशरे में बैंकिंग से कहीं ज़्यादा बढ़ के सूद जो है वो माशरे में मौजूद है। हमारे बड़े बड़े लोग सो कॉल्ड बड़े बज़ाहिर मजहबी भी नज़र आते हैं, लेकिन एक दूसरे को सूद पे पैसे लेन देन का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है। बस वही मैं सारे पॉकेट सबको पता है, और उनके आप खुलिए तो वो रंग रूप देखें तो वो माशाल्लाह अल्लाह माफ़ करे। तो ये तब ही है ना कि ये हमें ये यकीन नहीं है कि ये वही सूद है जिसके बारे में अल्लाह और रसूल से जंग का कहा गया, और फिर हम अल्लाह और रसूल के साथ मुसलसल जंग में हो और फिर हम कहें कि हम जीत जाएंगे, हमारी मीशत ठीक हो जाएगी। ये हो नहीं सकता। अल्लाह ने कहा है कि जो हमसे वो एराज करेगा जो है वो हम उसकी मीशत को तंग कर देंगे। और इसमें बहुत सी और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, तो लोग जिसको हम डेवलप्ड कहते हैं वो ज़्यादा जकड़े हुए हैं। अमेरिका में जो इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डेट में मकरूज़ है, लेकिन उसको सिस्टम ने इतना वो डाल दिया है कि वो एक डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से दूसरे पेमेंट करता है, उसका घर जो है वो किस्तों पे, उसका गाड़ी किस्तों पे, उसका वो तो कहीं ना कहीं एक को पे करके दूसरे को पे कर रहा है। हमें अभी तक वो इंडिपेंडेंस है कि हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हम बैंकिंग में नहीं है उस तरह, ठीक है ना। 50% से पॉपुलेशन नीचे तो खाने का उसको मसला है, उसके तो अकाउंट्स नहीं है। तो हमारे तो 70-80% अकाउंट्स ही नहीं है उसमें, लेकिन वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से, वो हमारी इस वजह से नहीं है कि वो हमने इस्लाम की बुनियाद पे छोड़े हुए, ये फिर दूसरा फैक्ट है। तो इस माशरे की मैंने जो बारीकी देखी है ना, हमारा जो फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है ना, रिश्तेदारियाँ वो उनके एक दूसरे के साथ ताल्लुक टूट रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान मैंने देखा है कि आप हर हवाले से आप इज्जत का ले लो। मेरा ख्याल में हम टॉपिक पे ही बात करें ना, तो उस पे आए जो मैं बात करूँ, ये जो बैंकिंग जो है, पैसे की म्यूचुअल जो आप कह रहे हैं, ये सारा नुकता इसकी तरफ आ रहा है। अगर आप करें ना, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है वो ठीक है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये सब कुछ ठीक है, हम मान भी लेते हैं, जब भी सेशन होता है मान लेते हैं, तो हम यहाँ से इरादा क्या करके जाते हैं, डिसीजन करके क्या जाते हैं। आपके मेरे कितने वो डिसीजंस हैं जो सूद पे हैं, और मैं अगर आज फैसला करूं और उनसे छुटकारा ले लूँ, डिसीजन तो ये करना है ना, एक्शन क्या है, ठीक है ना। हमारा मसला ये है कि हम बहुत बड़े बड़े सेशन करते हैं, बहुत बड़े जज्बाती लोग रोते भी हैं और से, लेकिन ना कोई अकाउंट चेंज करता है, ना कोई पॉलिसी चेंज करता है, ना कोई अपने लेन देन में दुरुस्तगी लाता है। फिर जाके वो जी ख़राब है तो ठीक है, तो वो उसमें अपने लिए जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हम जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि हम जाके आज के बाद हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जहाँ हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इन्वॉल्व हैं, जहाँ हमें गरर नज़र आता है, जहाँ हमें रिबा नज़र आता है, उससे हम कैसे छुटकारा हासिल करें, अपनी नस्लों को कैसे छुटकारा हासिल करवाएँ, अपने अकाउंट्स चेक करें, आपके अकाउंट्स कहाँ कहाँ हैं सबको पता होगा। तो वो डिसीजन ज़रूर करें, और अपनी जनरेशन्स को भी, अपने बच्चों के अकाउंट्स आप कहाँ खोल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ बच सकते हैं। फिर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बात आगे कैसे पहुँचा रहे हैं, तो हम तो इसके मुकल्लफ है ना। कोई रिसर्च कर सकता है तो वो रिसर्च ढूंढ के वो करे कि जी ये इस दौर में ये इस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम था, मुग़ल एम्पायर जो थी तो उसके दौरान जो है वो उसका हुकूमत का निज़ाम कैसे चलता था, खिलाफत उस्मानिया में पूरी दुनिया में थी, उसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चलता था, ये निज़ाम चलते थे ना। तो ये चीज़ें हमें अब सर्च करें ना, अब यूट्यूब पे ये क्वेश्चन डालें ना, तो आपको नहीं मिलेंगे।
आप टमाटर काटने का तरीका ढूंढने तो मिल जाएगा। आप इस्लामिक हुकूमत के ट्रेजरी चलाने का तरीका यूट्यूब पे ढूंढे ना, तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि इस पर हमने काम ही नहीं किया। आपके लेक्चर यूट्यूब पे आ रहे हैं। खैर मेरा तो वो लेवल नहीं है, लेकिन ये हम सब ने कोई एक छोटी सी बात समझ आए रेफरेंस के साथ हमें डालनी चाहिए, कहीं से कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। खालिद भाई हदीस अभी सुनाएंगे जी इंशाल्लाह, कि ये आखिरी दौर में फितने तो आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो